हेलो गाइस, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिलेट वेल्ड. ओके, सो इन दिस सेक्शन वी विल सी व्हाट हाउ टू डिज़ाइन फॉर बट वेल्ड. ओके, सो व्हाट इज बट वेल्ड. सो वेन एवर वी मेक अ वेल्डिंग कनेक्शन वेल्ड जॉइंट in the plane at the which are in the in between two plates which are in the same plane, means like that one plate is like this and another plate is like this, and we are making joint here. Okay, so it is kind of butt weld. Okay, in which this portion is, means this is called reinforcement. Okay, and this is throat. और ये क्या है, ये जो यहाँ प्लेन बनता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्यूजन जोन. तो बट वेल्ड जॉइंट करने के लिए, जैसे फिलेट वेल्ड में अलग अलग टर्म था, यहाँ भी मेरे पास कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जिसे हम बट वेल्ड को डिज़ाइन करेंगे. तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो पहला मेरा क्या है, साइज ऑफ वेल्ड. सेकंड वन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड. थर्ड वन इज इफेक्टिव एरिया ऑफ बट वेल्ड. और ये इफेक्टिव एरिया क्या है, जो फिलेट वेल्ड में मेरा एरिया होता था, एल डब्ल्यू मीन्स इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू थ्रॉट थिकनेस. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज रेनफोर्समेंट. ठीक है, रेनफोर्समेंट क्या है, ये टर्म जो कि वेल्ड, मतलब इस प्लेन, जो भी मेरा दो प्लेट है उसके अलावा जो भी हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम एक्स्ट्रा वेल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, रेनफोर्समेंट. तो बेसिकली रेनफोर्समेंट क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा वेल्ड वी प्रोवाइड आफ्टर द वेल्ड. ओके, सो फर्स्ट वन देखते हैं, साइज ऑफ वेल्ड. ठीक है, तो साइज ऑफ वेल्ड, अब क्या है कि अगर मेरा दो प्लेट है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ये दोनों अगर दोनों का जो थिकनेस है वो अलग अलग है, तो साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट. ओके, वो होगा मेरा साइज ऑफ थिकनेस. इन केस ऑफ डबल बेवल, ठीक है, ये सब केस हो, तो उस केस में क्या होगा, मेरा पेनेट्रेशन. ओके, जो पेनेट्रेशन होगा वो मेरा कंप्लीट पेनेट्रेशन होगा, तो उस केस में जो थ्रॉट थिकनेस होगा वो मेरा क्या होगा, जो ये कंप्लीट पेनेट्रेशन हुआ है उसको हम लोग लेंगे, किसका, तो थिनर प्लेट का. अगर वन थिनर प्लेट है तो वन का, इन केस ऑफ कंप्लीट पेनेट्रेशन. इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन, मतलब सिंगल वी ग्रूव होगा, सिंगल यू होगा. ओके, तो उस केस में जो मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होगा वो होगा 7/8 ऑफ टी. ठीक है, वहाँ यहाँ टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट,
लेकिन फॉर स्ट्रेस कैलकुलेशन, स्ट्रेस कैलकुलेशन के लिए मेरा थ्रॉट थिकनेस क्या होगा, ठीक है, ये 5/8 ऑफ टी, क्योंकि जैसे मेरा इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन होगा तो ये क्या होगा, पूरा पेनेट्रेट नहीं करेगा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा हो रह जाएगा। तो इस केस में हम क्या लेंगे, 5/8 ऑफ टी, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ओके, अगला क्या है कि जो भी मेरा डिफरेंस इन थिकनेस होगा, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 अगर अलग अलग थिकनेस का है, तो जो भी मेरा डिफरेंस होगा वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो डिफरेंस इन थिकनेस बिटवीन टू प्लेट शुड नॉट बी मोर देन 25%, ठीक है, और 3 mm, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी विच एवर इज मोर। अगर मेरा थिकनेस, अगर मेरा थिकनेस जो है इज सॉरी द डिफरेंस इन थिकनेस इज मोर देन 25%, अगर 25% से ज़्यादा थिकनेस हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, प्लेट को टेपर कर देंगे, ठीक है, देन टेपरिंग लेस देन 1:5, कैसे करेंगे, तो 1:5:2 डन, इस रेशियो में हम उसको, उस प्लेट को टेपर कर देंगे। ओके, नाउ ये तो मेरा साइज ऑफ वेल्ड, सो नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ बट वेल्ड। ये जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो एल मिनिमम, एल इफेक्टिव मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 4S, मतलब एल इफेक्टिव क्या है, 4S से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, हाँ, थर्ड वन क्या है, इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ, इफेक्टिव लेंथ। अगला है मेरा फोर्थ वन इज रेनफोर्समेंट। अब क्या है कि रेनफोर्समेंट को हम लोग स्ट्रेस के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं, फॉर स्ट्रेंथ पर्पस हम लोग रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट किसी भी केस में ये जो है वो 10% ग्रेटर होना चाहिए। ओके, जो भी हम लोग वेल्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी हम लोग वेल्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे 10% ज़्यादा होना चाहिए मेरा रेनफोर्समेंट, ठीक है, 10% मोर देन थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस इन बट वेल्ड, ठीक है, तो स्ट्रेस ऑफ द बट वेल्ड शुड बी टेकन इक्वल टू द स्ट्रेस ऑफ पैरेंट मेटल इन केस ऑफ शॉप वेल्ड। ओके, तो दो टाइप का वेल्ड है, एक शॉप वेल्ड होता है, एक फील्ड वेल्ड होता है, ठीक है, शॉप वेल्ड मतलब वर्कशॉप में किया हुआ, फील्ड वेल्ड मतलब साइट में किया हुआ। तो जो शॉप वेल्ड होगा उसमें जो भी मेरा स्ट्रेस होगा बट वेल्ड का, तो वो इक्वल टू पेरेंट मेटल हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, और फील्ड वेल्ड क्या होगा, तो इट इज़ द 80% ऑफ दिस शॉप वेल्ड,
स्ट्रेस और पेरेंट मटेरियल स्ट्रेस, ठीक है, इसको रिड्यूस कर देंगे हम लोग टू 80%। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेस ऑफ बट वेल्ड टी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, होता है एफ वाई एल डब्ल्यू टी वाई गामा एम डब्ल्यू। ठीक है, तो कोई भी केस हो, इधर वो टेंशन हो या फिर कंप्रेशन हो, मतलब कोई भी एक्सियल फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा हो या कंप्रेशन लग रहा हो, उसके इसमें क्या हो जाएगा, टी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वाई एल डब्ल्यू टी ई बाई गामा एम डब्ल्यू। यहाँ एल डब्ल्यू क्या है, तो इट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इन एमएम। एफ वाई क्या है, स्मॉलर ऑफ इल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड एंड पेरेंट मटेरियल इन एमपीए। ठीक है, एफ वाई क्या होगा, तो इल्ड स्ट्रेस ऑफ वेल्ड या फिर पेरेंट मटेरियल, दोनों में जो स्मॉलर होगा। ठीक है, टी ई क्या है, इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस इन एमएम, ये सब हम पहले जानते हैं। गामा एम वी क्या है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, अब ये कितना लेंगे, 1.25 फॉर शॉप वेल्ड, ठीक है, एंड 1.5 फॉर फील्ड वेल्ड। ठीक है, शॉप वेल्ड के लिए 1.25 एंड फील्ड के लिए 1.5। नाउ फर्दर, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन सीयर। ठीक है, अब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इन सीयर, अब ये क्या होता है, वी डी डब्ल्यू, तो ये वी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टी डी डब्ल्यू रूट ओवर 3। तो ये हो गया एफ वाई एल डब्ल्यू टी ई रूट ओवर 3 गामा एम बी एम डब्ल्यू। ओके, तो इन केस ऑफ सीयर क्या करेंगे हम लोग, टी डी डब्ल्यू बाई इसको डिवाइडेड बाई रूट 3। ओके, नाउ फर्दर, स्ट्रेस ड्यू टू इंडिविजुअल फोर्स। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि जो भी मेरा स्ट्रेस लग रहा है वो किसी इंडिविजुअल फोर्स के कारण लग रहा है। ठीक है, या तो वो एक्सियल फोर्स हो सकता है या तो वो सीयर फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर एक्सियल फोर्स हुआ तो वो टेंशन हो सकता है या फिर कंप्रेशन, या तो टेंशन के कारण कोई फोर्स लग रहा है या कंप्रेशन के कारण लग रहा है या फिर सीयर के कारण हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में एफ ए इज इक्वल टू एफ ए और क्यू, एफ ए फॉर एक्सियल फोर्स एंड क्यू फॉर सीयर इज इक्वल टू ई बाई टी ई एल डब्ल्यू, जो भी फोर्स होगा उसको इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, एल इफेक्टिव से डिवाइड कर देना है। तो ये फोर्स बाई एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस टेक्निकली क्या है, ये फोर्स बाई
एरिया, तो जहाँ एफ ए क्या है मेरा, कैलकुलेटेड नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स, एफ ए क्या है, एक्सियल फोर्स के कारण जो भी स्ट्रेस लग रहा है, और क्यू क्या है, ड्यू टू शियर फोर्स, सो क्यू इज शियर स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। पी क्या है, एक्सियल फोर्स ट्रांसमिटेड, ठीक है, सॉरी पी क्या है, फोर्स ट्रांसमिटेड, अब ये फोर्स, ये पी, अब ये फोर्स बोलो किस टाइप का हो सकता है, या तो एक्सियल हो सकता है या तो सीयर हो सकता है, अगर एक्सियल हुआ तो वो एन, और सीयर हुआ तो वो क्यू, ठीक है, टी ई, ये अगर एक्सियल हुआ तो ये एन, और सीयर हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू, टी इज इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ वेल्ड इन एमएम, एलडब्ल्यू क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, डब्ल्यू इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इन एमएम, ठीक है। तो स्ट्रेस ड्यू टू कोई भी अगर इंडिविजुअल स्ट्रेस लग रहा है, या तो एक्सियल या तो सीयर, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ ए और क्यू इज इक्वल टू पी बाई टी ई एल फर्दर। अभी क्या था, इंडिविजुअल स्ट्रेस देखे, ठीक है, अब क्या देखेंगे, कंबाइंड स्ट्रेस, ठीक है। तो ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस दोनों लगे तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर दोनों लगे नॉर्मल और सीयर, तो क्या होगा, एफ ई इज इक्वल टू रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर, और ये है लेस देन इक्वल टू किससे होगा, एफ यू बाई √3 γ mw, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। ये मेरा क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस, वेयर एफ ए इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है और टेंशन हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों आ रहा है, तो ये एक्सियल फोर्स के कारण आ रहा है, या फिर बेंडिंग मोमेंट के कारण, और क्यू, क्यू क्या है मेरा, शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स और टेंशन, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस था एफ ए और क्यू के कारण, ठीक है। अब देखेंगे कि कंबाइंड बियरिंग बेंडिंग एंड सीयर, अब क्या देखेंगे, कंबाइंड
बियरिंग बेंडिंग एंड सीयर, ठीक है। अब कंबाइंड एक्शन जब होगा, बियरिंग होगा, बेंडिंग होगा और सीयर होगा, तो उस केस में एफ ई इज इक्वल टू रूट ओवर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ बी आर स्क्वायर प्लस एफ बी आर प्लस 3 क्यू स्क्वायर। ओके, तो जहाँ एफ ई क्या है, इक्विवेलेंट फोर्स, सॉरी इक्विवेलेंट स्ट्रेस, एफ बी क्या है, कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरह एफ बी आर क्या है, कैलकुलेटेड स्ट्रेस ड्यू टू बियरिंग इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्यू क्या है, सीयर स्ट्रेस इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, कंबाइंड बियरिंग एंड बेंडिंग, बियरिंग बेंडिंग एंड सीयर, जब कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सियल एंड सीयर होगा, तब मेरे पास ये इक्विवेलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला, ठीक है, और बियरिंग बेंडिंग एंड सीयर के केस में इक्विवेलेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला, नॉर्मल केस में हम लोग देख चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। सो गाइस बी सेफ, स्टे इनसाइड, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।